गौ माता, मेरा नाम है रावल महेंद्र भाई। मेरा गांव है सीहोर, देत्रोस तालुका का है, अहमदाबाद जिला है। मेरे गांव में मेरा एक फार्म है, यस प्राकृतिक फार्म एंड यस गिर गौशाला। मेरी गौशाला में 50 गिर की गायें हैं और गायों को हम पूरा ऑर्गेनिक खुराक भी देते हैं। हमारे यहाँ शाम को दूध का प्रोडक्शन है वो अहमदाबाद में बेचते हैं और सुबह में हम घी भी बनाते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट का घी है, ये गिर गाय का। और ये गाय का घी हम 2000 रुपये के केजी से भाव से हम बेचते हैं। और सारे जो गायों का जो खुराक है सब मैं ऑर्गेनिक देता हूँ। और हमारी जो खेती है इसमें अनार भी हम ऑर्गेनिक करते हैं। और जो कठोल में होता है तुवेल, मूंग और मूंठ, वो भी प्राकृतिक है। हम गाय आधारित पूरी खेती करते हैं, गाय आधारित घन जीवामृत, जीवामृत का पूरी तरह से हम उपयोग करते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता। मेरा नाम दिनेश पटेल, अहमदाबाद से हूँ। फार्मर तो हूँ लेकिन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। तो फार्मरों के लिए जो नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से जो सर्कुलर आते हैं उसके तहत मैंने भी ये सुभाष वालेकर जी की शिविर अटेंड की, उनको सुना समझा, उसके बाद मैंने खुद खेती करवाई फार्मर से। तो अभी 5 साल से मैं बिल्कुल रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के बिना की खेती कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स, कैस्टर में से ऑयल भी निकालते हैं, कैस्टर को एरंडा बोलते हैं। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट की रेंज होती है। अभी फ़िलहाल गांधीनगर में आर्मी के कैंप में आए हुए हैं और 10 तारीख से गांधीनगर में हमको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिला है। तो उसके तहत हम पूरे अहमदाबाद में और गांधीनगर में होम डिलीवरी भी करने वाले हैं। तो हमारी पूरी रेंज है, आप देख सकते हो, और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई है, जिसमें कभी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया हुआ है। तो अभी हमारा जो कल्चर है हेल्थ कॉन्शियस होने जा रहा है, तो उसके तहत अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9825484186। मैं SPNF टीम में अहमदाबाद जिला का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। जय गौ माता। मेरा नाम हसमुख भाई आर पटेल, मैं मांडल से, तहसील मेरा मांडल है, जिला अहमदाबाद और गुजरात स्टेट से हूँ। मैं पहले आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिस में खूब ज़्यादा वो वंधित्व, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब पेशेंट आते थे। तो मैंने कहा वो बढ़ने का कारण क्या है, तो मैंने सोचा कि वो जो बढ़ने का कारण है ना वो फूड है। तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूं। तो 2019 में मैंने सुभाष पालेकर की शिविर सुनी और मैंने सोचा कि यही तरीका अच्छा है। और वो 2019 से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ से मैं फार्मर बन गया। और फार्मर में अभी मैं ये नेचुरल फार्मिंग में सब पकाता हूँ, बाजरी पकाता हूँ, गेहूँ पकाता हूँ और ऐसा। ये सब रागी है, वो बाजरी की एक प्रजाति है और वो मैं पकाता हूँ और बेचता हूँ। और इन्हें से जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, वो रोग प्रतिकारक शक्ति वो बढ़ती है। हम वैक्सीन लेते हैं, वो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वो दूसरा जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो हम उससे लड़ नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से हम जो ये नेचुरल प्रोडक्ट का खुराक लेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी और हम सब रोग से मुक्त हो जाएंगे। नमस्ते। जगदीश सिंह एन वाघेला, गांव खोड़ा, तहसील साणंद, जिला अहमदाबाद और राज्य गुजरात। मैं सुभाष पालेकर पद्धति से चावल, गेहूँ, बाजरा, मग सब करता हूँ और उसका मूल्यवर्धन करके बेचता हूँ और सभी को अच्छा खाना मिले, यही मेरा वो है। मैं चावल, गेहूँ सब बेचता हूँ और ये ममरा। जय गौ माता।